इस बार मैं नहीं मानाऊंगा यार, हमेशा होता है। Hey, what's up guys? Good morning and welcome to the new vlog. भाई गजब वाली थकान लगी है, बहुत ज्यादा नींद आ रही है। और रात को इसको घूमने जाना था सोचा, अगर इसके बाद मान के मैं निको इसकी बात मान करके चली जाती ना तो रात को सो नहीं पाता। हमको नॉर्मली सारी मुझे पैकिंग करते वरते वेट करते करते 3:30 तो मैं वही बता, इसके चक्कर में 3:30 बजे था इसलिए नींद और थकान ज्यादा लगी। मैं करता तेरा। तो एनीवेज गुड मॉर्निंग, और हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए जहाँ पे हमको हमारे फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे। तो उन लोगों को भी मिलते हैं सुबह सुबह, खुद की मॉर्निंग अच्छी करते हैं उनको थोड़ा परेशान करके। चलते जाइए, यहाँ का ब्रेकफास्ट हम पहली बार करने वाले हैं तो लेट्स सी कैसा जाता है, आपको भी बताते हैं। आज तक किया है, सैंटा क्रूज का नहीं किया तो हो गए बकवास। होटल अलग है, यहाँ पे पहली बार कर रहे हैं, इतनी बात थी। चलो यही चलते हैं। ओ भाई ये क्या करके रखा है तूने, उठाने वाली है तू, चोरी करने वाली है। चोरी नहीं, वो रखा होता अपने को पीने के लिए ही ना। हाँ यही वो होता है, पीने के लिए रखा होता है, ले जाने के 1000 बार समझा चुका है ये लॉजिक। वो देखो फ्लाइट टेक ऑफ हो गई हमारे सामने, और ये है हमारा टाइम लैप्स होने लगा हुआ है, क्यों पता नहीं बट लगाया हुआ है। तो हमारा ब्रेकफास्ट इधर होने वाला है, वैसे लंच ब्रेकफास्ट डिनर सब इधर ही होता है इन लोगों का। और ये देखो काफी ज्यादा पैक है, और वो लोग दिख नहीं रहे, मतलब अब तक नीचे आए नहीं तो कॉल करना पड़ेगा। चाली मजाक कर ला था। जल्दी करो जल्दी करो। अरे और वेटिंग है ये वाले टाइम पे ना, किसी भी होटल में हमेशा जनरली ब्रेकफास्ट का वेटिंग हो जाता है, और वेटिंग करने के लिए आपको दिया जाता है यहाँ पे नाश्ता जूस के, भाई ठंडे हो जाओ और यहाँ पे वेट करो चुपचाप। लेकिन हमको खाना नहीं है क्योंकि मिक्स फ्रूट जूस सुबह सुबह खाली पेट पे अच्छा नहीं है। हेलो कैसे हो? नहीं एक्चुअली पता है हम लोग कब से उठ गए, हम लोग जानबूझ के लेट उठा है, मेरा थोड़ी देर सोने दो यार, ठीक है ब्रेकफास्ट टाइम तो वैसे भी हो जाएगा ठीक है। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, मस्त वाला डन। ये देखो बाहर मैप के बाहर निकल गए, कहाँ पाकिस्तान में शिफ्ट हो रही है। हम लोग अभी चेकआउट करने वाले वैसे सेम टाइम पे, पर पता नहीं श्योरिटी नहीं है कि हम मिल पाएंगे ऑफिस से अभी, इसलिए इन लोगों को मिलेंगे बहुत जल्दी। वैसे बहुत अच्छे लग रहे थे, बातों बातों में इतना ज्यादा लेट हो गया हमको, मजा आया बहुत ही, मतलब होता है ना फन फैमिली क्रिएटिव हर तरीके से बात कर ली। हाँ फाइनली हम लोग फटाफट आके तैयार हो चुके हैं, 12 बजे हमको एयरपोर्ट के अंदर होना चाहिए, हम लोग रूम में बैठे हैं। पर ये देखो ये रहा हमारा रनवे, अगर काम करे वो देख, जैसे वहां से फ्लाइट आ रही है ना, सुनना यार इधर ध्यान दे, पता नहीं क्या रिकॉर्ड कर रही है, सुनना अपने यहीं से चले जाते हैं, वहां जाके हाथ से हाथ दिखा देंगे, भैया बिठा दो। हाँ हाँ ये वाली किधर जा रही है? अजी तो आई है अभी एयर इंडिया। लगेज के लिए भैया को बुलाया है, भैया आएंगे तब तक हम थोड़ा सा कर रहे टाइम पास, तो आपको भी थोड़ा सा ये सब झेलना पड़ रहा है बातें, सॉरी फॉर दैट। बढ़िया देखो आप, देखो विमान फ्लाइट एयर इंडिया की जब भी लैंड होके आई है, कोई बैठा अंदर दिख ही नहीं रहा है। देखो अब तक है ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, अब टेंशन हो क्योंकि लगेज वाले भैया है ना, उन्होंने बोला कि सर अगर 2 बजे की फ्लाइट है तो 12:10 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आपको बहुत ही जल्दी जाना पड़ेगा। अच्छी चीज़ ये है कि कैब आप कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहीं से अंदर से ही रास्ता है क्योंकि सीधा टर्मिनल की तरफ निकलेगा, तो भैया हमको ड्रॉप कर देंगे ऐसा बोला, आधे तक जहाँ तक वो आ सकते हैं, विच इज़ गुड यार। तो फिर इस हिसाब से उनके लिए अच्छा नहीं हुआ क्या? कि अगर अच्छी प्राइस में जब जब मिले ये, और अपने को टर्मिनल 1 से निकलना हो या टर्मिनल में आना हो, इस टर्मिनल पे आने का हो, तो यहीं पे करनी चाहिए बुक, बहुत इजी हो जाएगा, कन्वीनियंट हो जाएगा। पता नहीं हमको ज़्यादातर ये इशू होता है कि जब भी टर्मिनल के पास है मतलब हमारा होता है होटल, तो जल्दी कैब वाले नहीं आते, और होटल की टैक्सीज बहुत महंगी होती है यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ। अंकिता वहाँ पे चेकआउट कर रही है, और भाई यहाँ पे ना जो एक्वेरियम है इतना अमेजिंग है, और ये मेंटेन करना भयंकर डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये सॉल्ट वाटर एक्वेरियम है, सॉल्ट वाटर के बारे में जिसको पता है एक्वेरियम्स कह रहे हैं उनको पता होगा, मेरे पास था मैं मेंटेन नहीं कर पाया था, और इसकी फिशेज इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती है
जो सारे के सारे अपने नीम और वगैरह वगैरह कार्टून में भी देखी होंगी ये वाली है ना। देखो गाइस सुपर ब्यूटीफुल। ओए लेट हो रहा है, चल अब हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट जाने के लिए टर्मिनल की तरफ। और हम और यहाँ पे ना थोड़ा सा क्या होता है कुछ कुछ ऑर्डर जैसा सिस्टम होता है वैसे यहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पर आपको बिल पेमेंट करने से ज़्यादा बेटर है आप एडवांस में पैसे जमा कर दें, ताकि जो भी कुछ खाओगे पियोगे जो भी करोगे वहाँ पे आपका पैसा कटता रहेगा और वापस जो भी बैलेंस होगा वो आपको मिल जाएगा। तो हमने इतना कम खर्चा किया कि हमको 1200 का वापस मिला। और ये देखो यहाँ से है रास्ता टर्मिनल 1B के लिए और ये भैया हमको ले जा रहे हैं। ये भैया ये गाड़ी लेके थेट वहाँ तक आएंगे टर्मिनल तक। यार इतनी ज़्यादा लाइन है। अब ये देखो मेरे को ना ट्रॉली पकड़ा के खुद मोबाइल कर रही है। तो फिर मोबाइल क्यों करे? तो मैं मोबाइल कर रहा था। मैं नहीं कर रहा था। अभी तू नहीं करेगी। ठीक इसको ले ले। सोच ले गिरा देता था कैसे देख। तो सिक्योरिटी चेकिंग हो गया है और एक्स्ट्रा हमको आज 8000 रुपये भरने पड़े क्योंकि एक्सेस लगेज था, जिसकी वजह से अंकिता को गुस्सा आया उन पे और जिसकी वजह से अंकिता ने मेरे से झगड़ा कर लिया। हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा झगड़ा हो गया है। वो टिकट लेके चली गई अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते में अब अकेला अकेला मॉल में घूम रहा हूँ, मॉल के एयरपोर्ट पर घूम रहा हूँ। और अंकिता बस मैसेज कर दिया कि मेरे को ढूंढना मत, मैं गेट पर जाके बैठी हूँ। मैंने ठीक है, अगर उसको ऐसा एटीट्यूड दिखाना है बात नहीं करनी, मेरे को भी नहीं करनी, हम भी थोड़ा सा ही वो रख लेते हैं आज। नीचे गेट पे तो आ गया पर वो है ही नहीं यहाँ पे। मैं सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एनी चीज बात बताऊँ कि जब भी लड़कियों की गलतियाँ होती हैं तो लड़के छुपाने के लिए उसको गुस्से में क्यों कन्वर्ट करती है? कमेंट करो लड़के लड़के दोनों। पर्सनल एक्सपीरियंस बोर्डिंग निकल हो गई है, देखो पीछे रो रही है और वो देखो वो भी बात नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा नॉइजी है। इस बार मैं नहीं मानाऊंगा यार, हमेशा होता है तो इस बार जानबूझ के पेशेंस रेस्ट कर रहा हूँ। तो उसको गलती एहसास होती है कि नहीं, कि किसी और की गलती मेरी गलती नहीं होती है। मुझे भी गुस्सा आ रहा है, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बस। जो फीलिंग थी सब उतर गया। नॉर्मल अब अभी बात नहीं करनी, सब नॉर्मल के भी अपने बीच में। मैंने फिर से ये ओ राइस क्रैकर मंगा लिया है, ये सच में चले मुझे अच्छा लग गया। टेस्टी है ना, स्वाद भी। ओके गाइस लैंड हो चुके हैं, बाहर भी आ चुके हैं, हम लोगों का हो चुका है सॉर्ट आउट। एंड देखो इतने सारे लोग खड़े हैं, इतनी सारी बाइक जा रही हूँ, मैंने एकदम इसके पास आके खड़ा गया यार, बाहर निकल तो मैं निकाल लेता हूँ बैग क्योंकि आगे जगह ही नहीं है इस तरफ। सारे इतने सारे लोग खड़े हैं और एक जगह रोक के और मैंने बोला एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, बोले क्या? मतलब सॉरी कुछ नहीं मैं आगे चला जाता हूँ। तो देखो एज यूजल यहाँ पे फ्री सैंपल्स बट रहे थे जिसमें थे लेडीज़ परफ्यूम और कपूर का वो फ्रेशनर। तो हमारे पास जितने मोबाइल है ना सब में से कर दिए स्कैन, तो इतने सारे पीस हमने उठा लिए। अब टेक्निकली हम बेच सकते हैं ना, मैं फ्री सैंपल सेल ऐसा करना नहीं गाइस। तो हम वापस आए बहुत दिनों के बाद और पूरी धूल वाली गाड़ी हो चुकी है, वो तो अलग बात है, पर ये देखो सब लोग है ना लिख के गए हुए हैं, नाम नंबर सब लिख के गए। नंबर तो मैंने रख किया वैसे, पर जयदीप है, मोहित, थैंक यू सो मच, लव्स ऑफ लव्स अभी भी। चलो इसी बात की खुशी में मैं अंकिता को बोलना चाहता हूँ सभी को सॉरी, थैंक यू गाइस। यस गाइस। और गाड़ी की अरे यार इतना भी टाइम नहीं हुआ गाड़ी को कि ये ऐसे सब इनसे को कह सब बैठने लगे। भाई साहब जाइए आप, सॉरी ब्रेक टाइम हुआ, चलो थैंक यू सो मच बाय बाय। अरे फिर आ गए आप, चलो निकलो। हाँ बैग में जाके बैठ गया, अरे यार बड़ा बदतमीज है।
भाई हम लोग आए और हमको पता चला, एक्चुअली जाते वक्त ही पता चला था पानी नहीं है ना हीरे, दो बार से पता है। अरे जरा आज थोड़ा पड़ा था वो डाल ही दिया पानी, पर पीने के लिए नहीं रहेगा, चलेगा रास्ते से ले लेंगे। ठीक है देती रहूँ। ये ले एयरपोर्ट की खरीदी हुई महंगी 100 रुपए वाली बॉटल से गाड़ी साफ कर दू। ये अमेरी है ब्रो, अमेरी है। टूट गया ये, वाह। अब वो अकेले वो डंडे को पकड़ के कर ले। इधर ऐसा लग रहा है क्या बैकग्राउंड में म्यूजिक दू, क्या से क्या हो गया मुंबई से अहमदाबाद आ गए। गाइस हम लोग अभी जस्ट घर पहुंचे। ये क्या, ये एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से यहाँ तो पीछे पीछे आ गया, मुझे लगा हवा है कि चला जाएगा ये भाई। चाहो अब लोग घर में ही गया। बोल हद है, वो उड़ रहा है देख।